सो आज हम यहाँ से निकलने लगे हैं ग्रैनी डेन रिजॉर्ट से। अब हम यहाँ से हमारा नेक्स्ट ट्रिप है, अब हमने यहाँ से जाना है पांवटा साहब। पांवटा साहब हम दर्शन करेंगे, लंगर खाएंगे, उसके बाद हम वहाँ से चले जाएंगे वापस दिल्ली के लिए। सारे बहुत ही ज़्यादा सबने एंजॉय किया है, मस्ट विजिट प्लेस है, यहाँ पे ज़रूर आओ, एक बार तो ज़रूर आओ, बहुत अच्छी जगह है और बिल्कुल शांति है, कोई प्रॉब्लम किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहुँच चुके हैं पांवटा साहिब गुरुद्वारा, ये पीछे हमारे गुरुद्वारा है, हम जा रहे हैं अंदर, एंटर कर रहे हैं गुरुद्वारे के। अभी बस राइसा की तबीयत फिर से अभी थोड़ी ख़राब हो गई है और थोड़ी थोड़ी यहाँ पे हल्की सी बारिश हो रही है, वेदर बहुत अच्छा है। राइसा को फीवर हो गया थोड़ा सा, अभी उसकी दवाई लेके जा रही हूँ साथ में, उसको दवाई दूंगी अंदर जाके। गुरुद्वारे में कीर्तन हो रहा है, आपको भी आवाज़ आ रही होगी। चलिए अंदर जाके फिर आपको दर्शन कराते हैं। अभी वहाँ पे कड़ा प्रसाद की लाइन में लगी हुई है प्रसाद कराने के लिए। ये गुरुद्वारे की एंट्रेंस है, पांवटा साहिब गुरुद्वारा है, बहुत ही ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। अभी अब प्रसाद चढ़ाने जा रही है, बाबा जी का प्रसाद, कड़ा प्रसाद। ये गुरुद्वारे की एंट्रेंस है, सारे दर्शन कर लो गुरुद्वारे पांवटा साहिब के। गुरुद्वारा दर्शन कर लिए, अब हम जा रहे हैं यहाँ से लंगर छकने के लिए, लंगर हॉल में जा रहे हैं। आप लोग दर्शन कर लो बाबा जी के शस्त्र के, वाहेगुरु जी। ये हम लंगर हॉल में जा रहे हैं यहाँ से लंगर छकने के लिए। यहाँ पे लंगर बहुत ही अच्छा होता है और जो लंगर है वो देसी घी का होता है। यहाँ से नीचे नहर है, इस स्थान पर गुरु गोविंद सिंह जी अपनी दस्तार खुद बैठकर सजाते थे। ये शीश महल है, वाहेगुरु जी दर्शन कर लो सारे वाहेगुरु जी। गुरुद्वारे के साथ ही एक रिवर है, यमुना रिवर है। वो लोग गोविंद सिंह महाराज जब कथा करते थे तो शोर आता था, ये नदी वहाँ पे शोर करेगी, यहाँ पे शोर नहीं करेगी, आगे फिर शोर होगा। अच्छा आ जा रही है नदी, दिख रही है। गुलवीर जी ने हमारे को इतिहास बताया इस नदी का। लंगर हॉल की एंट्री है, इसके अंदर लंगर जो बनता है ना सारा देसी घी का होता है, बहुत ही स्वाद होता है लंगर। लंगर तो जितो मर्जी का हो सारी हर जगह का स्वाद होता है, तो फिर गुरु साहिब का लंगर है। चेक करते हैं आज लंगर में क्या बना है। बहुत ही बड़ा लंगर हॉल है, यहाँ पे सारे जो लोग प्रसाद कराते हैं वो पड़ा है और यहाँ पूरी पंगत में बैठ के लंगर हो रहा है। यहाँ ये रही हमारी सारी पूरी पार्टी और ये रात का लंगर, दाल चावल प्रसादा और खीर और ये पानी में जल। बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, असी इन्हें लकी बंदे है जेड़ा तुहानू लंगर खाने का मौका मिल रहा है। संजोत लंगर का मज़ा जो नीचे पंगत में बैठ के आता है वो और कैसे भी नहीं आ सकता। आजकल वो स्टैंडिंग लंगर सब स्टार्ट हो जाता है, उसका वो मज़ा नहीं आता, स्वाद नहीं है बिल्कुल भी, जो स्वाद भी नहीं है और मज़ा भी नहीं है। जो लंगर की प्रथा होता है ना वो हमेशा आपको नीचे संगत में बैठ के खाने का मज़ा आता है। और संजोत ये प्लेट लेके जा रहे हैं, थैंक यू संजोत, ये सेवा करने का मौका आपको मिल रहा है आज। लंगर खाने के बाद यहाँ पे सबको प्लेट देनी पड़ती है, पीछे सेवा चल रही है लंगर के, जो भी थाल वगैरह सबको धोने की सेवा हो रही है पीछे। अभी लंगर की सेवा करने गई है, सेवा करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फाइनली हम लोग घर पे पहुँच गए हैं, राइसा की तबीयत ख़राब थी जस्ट, अभी हम आते हैं सर में पहले उसकी मेडिसिन लेकर आए हूँ। अभी राइसा को मेडिसिन दी देने लगी थी और वो पहले ही सो गई है, अभी उसको मेडिसिन दूंगी
और बस 11 बज गए हमारे, इस टाइम बहुत थकावट हो गई है। 11 का बज गया भाई, सवा एक होने वाले हैं, ठीक है? एक बज गए हैं, ओहो हो, एक बज गए हैं। बस अभी हम सोएंगे, अनपैकिंग भी करनी है सुबह करें। बस रायसा ठीक हो गया, बाकी सब ठीक है, अनपैकिंग में सुबह करूंगी, आप जाना शॉप पे। आई होप आज की वीडियो आपने एंजॉय करी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और कमेंट भी जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।